हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्स्ट वीडियो क्लास 7 के लिए सब्जेक्ट जीके में हम आज लोग फर्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। इसमें वर्ड ऑफ एनिमल एंड प्लांट यूनिट 1 में पढ़ना है आपको। वर्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें आप पेज नंबर 5, 6, 7 आज पढ़ेंगे। इसमें स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है कि द एनिमल किंगडम इज बोटली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो स्टूडेंट्स जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम दो ग्रुप में बांटते हैं, पहला वर्टिब्रेट्स और दूसरा इनवर्टिब्रेट। पहले हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेट्स क्या होता है। तो वर्टिब्रेट्स एनिमल हैविंग बैकबोन्स, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। वैसे जानवर को हम वर्टिब्रेट के श्रेणी में रखते हैं जिनके पास बैकबोन होता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, या बैकबोन यानी कि पीठ की जो हड्डी होती है। तो एनिमल हैविंग बैकबोन्स दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की श्रेणी में वैसे जानवर आते हैं जो जिनके पास बैकबोन होता है। पॉइंट टू है यहाँ पे स्टूडेंट, देर आर 5 kinds ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल। वर्टिब्रेट एनिमल के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है मैमल्स, दूसरा होता है बर्ड्स, तीसरा होता है रेप्टाइल्स, चौथा होता है एम्फीबियंस, पांचवा होता है फिश। देर आर 5 kinds ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश। पहले हम चर्चा करेंगे मैमल्स पे। एनिमल विच गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वन एंड फीड देयर बेबीज ऑन देयर बिल। वैसे जानवर जो अपने बच्चे को बर्थ डायरेक्टली यंग वन, जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, एंड फीड देयर बेबीज ऑन देयर मिल्क, और अपने बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं, वैसे जानवर को मैमल्स की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि हम पूरे एनिमल किंगडम्स को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वर्टिब्रेट, दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में हम वैसे जानवर को रखते हैं जिनके पास बैकबोन्स होता है, और इनवर्टिब्रेट की श्रेणी में वैसे जानवर को रखते हैं जिनके पास वर्टिब्रेट एब्सेंट होता है यानी कि नहीं होता है। वर्टिब्रेट्स को हम 5 kinds में डिवाइड करते हैं। पहला एनिमल्स, दूसरा बर्ड्स, तीसरा रेप्टाइल्स, चौथा एम्फीबियंस और पांचवा होता है फिश। पहले हमने मैमल्स के बारे में आपको बताया स्टूडेंट्स की वैसे जानवर जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और अपना दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स के श्रेणी में रखते हैं। अदर स्टूडेंट, मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप ऑन हाउ द यंग डेवलपमेंट। मैमल्स को हम 3 ग्रुप में बांट सकते हैं ऑन डिपेंडिंग यंग डेवलपमेंट, मतलब उनके बच्चे के डेवलप के अनुसार मैमल्स को 3 श्रेणी में बांटा जाता है, यानी कि 3 ग्रुप में बांटा जाता है। पहला होता है मोनोटॉन्स, दूसरा होता है मार्सिपियल्स और तीसरा होता है प्लेसेंटल्स। तो मोनोटॉन्स में ये ऐसे 2 ही एनिमल्स आते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं जिसको प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटस होते हैं। ये मैमल्स तो हैं लेकिन ये ले एग्स करते हैं। प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटस 2 ऐसे छोटे जानवर हैं जो मैमल्स के श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये एग्स ले एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। उसके बाद है मार्सिपियल्स। मार्सिपियल श्रेणी में वैसे जानवरों को हम शामिल करते हैं कि द फीमेल ऑफ विच हैज अ पाउच अटैच्ड टू इट्स बॉडी इन विच इट यंग गॉड्स कैरी अंटिल दे आर फुली डेवलप्ड। ये इसमें जो मैमल्स होते हैं उनके शरीर में ही एक पाउच बना होता है, पैकेट जेब टाइप का बना होता है, जिसमें जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, फुली डेवलप नहीं कर जाते हैं, तब तक उनकी माँ जो है उसी पाउच के अंदर उनको लेके कैरी करती है, धोती है। इसमें आपको जैसे कंगारू आ जाएगा, कोआला बियर आ जाएगा और वॉम्बैट आ जाएगा। इनके शरीर में पाउच अटैच होता है, इसमें ये अपने बच्चे को कैरी करते हैं, और जब तक कैरी करते हैं जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। तीसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट
प्लेसेंटल, प्लेसेंटियल्स जो होते हैं, द यंग वन डेवलपमेंट इन साइड द मदर बॉडी एंड आर रिसीव फेड बाय द स्पेशल पार्ट्स ऑफ माउथ बॉडी मदर बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। ये है कि प्लेसेंटियल टाइप में वैसे जानवर आते हैं जो जिनके बच्चे जो हैं वो उनकी मदर बॉडी फीमेल माँ के शरीर में ही वो डेवलप करते हैं और उनके एक स्पेशल पार्ट्स जो है मदर्स का वो उनके बच्चे के साथ जुड़ा होता है जिनके द्वारा वो उनको उनको भोजन मिलता है और मदर बॉडी जो है जिसको हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, इनमें इसमें इस श्रेणी में आपको वुमेन भी आता है क्योंकि वुमेन का जो बच्चा है वो अपने माँ के पेट में ही डेवलप करता है और जब तक वो बाहर नहीं आता है तब तक वो उसके शरीर का एक पार्ट माँ के पार्ट से जुड़ा होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। इसका जेसन पीरियड जो होता है मतलब बच्चे जो कब तक रहते हैं अपने माँ के पेट में तो इनका 9 मंथ होता है, 9 मंथ तक बच्चे अपने माँ के पेट में ही रहते हैं और वहीं पे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, तो इसलिए इसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो वुमेन, बैट, एलिफेंट और भी बहुत सारे जानवर हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैमल्स में आपको वर्टिब्रेट्स में मैमल्स के बाद बर्ड्स आते हैं। ऑल बर्ड्स हैव लेग्स, दे आर द ओनली क्रिएचर्स हु हैव फीलर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्लाई। जितने भी बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं, वो एक ऐसे प्राणी हैं जिनके पास फीलर है और वे उड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कीवी, ओस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। ये तीनों जो पक्षी हैं ये उड़ते नहीं है। रेप्टाइल्स में आपको क्रोकोडाइल, टर्टल आते हैं, ये छोटे टाइप के जानवर आते हैं, एनिमल्स हैं। ये इसमें आपको क्रोकोडाइल एंड टर्टल आ रहे हैं। एम्फीबियन, एनिमल विच लाइव वॉट एंड ड्वेल एज वाटर इज कॉल्ड एम्फीबियन, मतलब ऐसा जानवर जो लैंड अर्थ पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है इसको फ्रॉग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसमें फ्रॉग आ गया तो ये एम्फीबियंस हो गया। बोथ वे ऑफ लाइफ मतलब जो दो तरह के जीवन जीते हैं, जैसे अर्थ पे भी रहते हैं और लैंड वाटर में भी रहते हैं। फिश है एनिमल व्हिच लिव इन वाटर इन ब्रेथ थ्रू गिल्स एंड इट्स बॉडी कवर्ड विद स्केल, वैसा जानवर जिस जो पानी में रहता है जो गलपड़े गिल्स के द्वारा सांस लेता हो और उसका बॉडी कवर जो है वो स्केल से ढका हो तो उसको हम फिश कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ पॉइंट थे, जैसे इसमें मैंने आपको बताएंगे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून का ठंडे खून ब्लड वाला जानवर और गर्म खून ब्लड वाले जानवर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एनिमल विच बॉडी टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग विद टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वैसा जानवर जिसके शरीर का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ घटता बढ़ता रहता है उसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल है एनिमल विच बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वैसा जानवर जिसका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के अनुसार बढ़ता घटता नहीं है, एक ही तरह स्थिर रहता है, उसको हम लोग वार्म ब्लडेड के श्रेणी में रखते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, मानव हो गया, मानव का बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के बॉडी टेम्परेचर के अनुसार चेंज नहीं होता है, उसका टेम्परेचर कितना भी हो लेकिन मनुष्य का जो टेम्परेचर है वही रहता है। मेटामॉर्फोसिस है एनिमल विच चेंज इन बॉडी एंड वे ऑफ लाइफ, मतलब जीने के तरीके के अनुसार जानवरों का बॉडी चेंज हो। जैसे आप जानते हैं कि फ्रॉग जो है एम्फीबियन एनिमल है, वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में, तो उसकी लाइफ की जो शुरुआत होती है फ्रॉग को जब भी अंडा देना होता है